Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Evneet. So today I am going to teach you contract of bailment. इससे पहले भी मैंने बिजनेस लॉ की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है. इसे मैं पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ. जब एक पर्सन अपने गुड्स को किसी दूसरे पर्सन को देता है किसी मकसद से, और जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो वो अपने गुड्स को वापस ले लेता है, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है. द वर्ड बेलमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेलर विच मीन्स टू डिलीवर. ये फ्रेंच वर्ड से बना है ये वर्ड, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर, डिलीवर करना मतलब देना. ये सेक्शन 148 के अंडर आता है. ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पर्सन डिलीवर सम गुड्स टू अनदर. ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्सन गुड्स को डिलीवर करता है दूसरे पर्सन को फॉर सम पर्पस, किसी मकसद के लिए, किसी पर्पस के लिए. एंड व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, और जिस मकसद के लिए उसने गुड्स दिए हैं जब वो पूरा हो जाता है, अकम्प्लिश्ड मतलब पूरा हो जाना, द गुड्स आर रिटर्न्ड, तो वो अपने गुड्स वापस ले लेता है, या फिर वो अपने गुड्स उस तरीके से वापस लेता है जैसे उसने डायरेक्शन दे रखी है दूसरे पर्सन को. मीन्स ज़रूरी नहीं है कि वो अपने गुड्स वैसे ही वापस ले जैसे उसने दिए थे. कई बार वो कुछ डायरेक्शन देता है कि मेरे गुड्स में ये चेंजेस करके देना, तो वो चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने गुड्स वैसे वापस लेता है. ये आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा. तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं. अब देखो एग्जाम्पल इसकी क्या है. सुमन डिलीवर्स अ पीस ऑफ क्लोथ टू अ टेलर. जब हम एक टेलर के पास कपड़ा स्टिच करवाने जाते हैं तो वो बेलमेंट की सबसे अच्छी एग्जाम्पल है. सुमन जो है वो कपड़े का पीस लेके गई टेलर के पास ताकि वो उसका कोट सिलवा सके. उसने टेलर को बोला कि इस क्लोथ का आप कोट सिल दीजिए. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. तो ये एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे जो सुमन और टेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. तो यहाँ पे सुमन जो है वो बेलर है और जो टेलर है वो बेली है. तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में हमारी दो पार्टीज होती हैं. तो यहाँ पे सुमन बेलर है और टेलर बेली है. एंड द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग द क्लोथ, और पर्पस ये क्या है यहाँ पे क्या है कि वो क्लोथ को कोट की फॉर्म में स्टिच कराना चाह रही है, कि कपड़े को वो कोट स्टिच कराना चाह रही है, तो ये उसका मकसद है. द टेलर विल रिटर्न द क्लोथ टू सुमन आफ्टर स्टिचिंग. तो सिलने के बाद, कोट सिलने के बाद जो टेलर है वो क्लोथ जो है वो जो कोट है वो सुमन को वापस कर देगा. एक और एग्जांपल आप ले सकते हो. अगर अनीता डिलीवर करती है सम क्लोथ्स टू वॉशरमैन, मतलब धोबी को आप कपड़े देते हो धोने के लिए, तो वो भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, वो धो के आपको वापस कर देता है. अगर राकेश टेलीविजन देता है रिपेयर करने के लिए मकैनिक को, तो वो रिपेयर करने के बाद टीवी आपको वापस कर देता है. तो ये सारे बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है. ओके. नेक्स्ट इज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. दो पार्टीज होती हैं बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में. एक होता है बेलर और एक होती है बेली. बेलर कौन होता है? बेलर इज द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस. जो किसी पर्पस के लिए गुड्स डिलीवर करता है वो बेलर होता है, और जिसको गुड्स डिलीवर किए जाते हैं वो बेली होता है. जैसे कि सुमन पिछली वाली एग्जाम्पल में बेलर थी, और जो टेलर था जिसको कपड़े दिए थे स्टिच करने को वो बेली हो गया. ओके. नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेलमेंट. बेलमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ये इसकी 6 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. हम इसको एक एक करके आगे डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. जैसे बाकी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वैसे बेलमेंट भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. उसके अंदर वो सारी एसेंशियल एलिमेंट्स होती हैं जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की होती है, जो मैंने सेक्शन 10 के अंदर आपको पढ़ाई थी दूसरी वीडियोज में. ठीक है. तो इसके अंदर वो सारी कंडीशन होना जरूरी है. अब बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द बेलर एंड द बेली. ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सबसे पहले एग्रीमेंट होता है, विच इम्प्लाइज दैट देयर इज अ प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द अनदर. आप कपड़े लेके जाते हो टेलर के पास, आप उसे बोलते हो कि भैया ये सिल दोगे, तो वो कहता है कि हाँ मैं इस तारीख तक आपका ये क्लोथ जो है वो सिल दूंगा. तो ये क्या है, आपने प्रपोजल दिया और उसने एक्सेप्ट किया, तो ये एक तरह से एक एग्रीमेंट है. ठीक है. तो एग्रीमेंट के बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, और इसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के होने चाहिए. नेक्स्ट इज बेलमेंट इज ऑफ मूवेबल गुड्स. बेलमेंट हमेशा ही मूवेबल गुड्स का होता है जिनको आप मूव कर सकते हो. इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होता है. जैसे कि सच कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी मेड फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड बिल्डिंग. आप लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, क्योंकि आप उसे मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कभी नहीं होगा. ये हमेशा मूवेबल गुड्स का होगा। जैसे टीवी रिपेयर करने के लिए आप दे रहे हो, आप कपड़ा सिलने के लिए दे रहे हो, तो वो मूवेबल गुड्स है, आप उन्हें मूव कर सकते हो। नेक्स्ट इज बेलमेंट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। मैंने आपको एक और वीडियो में पहले भी बताया था कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ओनरशिप और एक होता है पोजेशन। इन दोनों में फ़र्क होता है। इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरी कार मेरे फ्रेंड के घर में खड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे कार मेरी है, मीन्स ओनर मैं हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड के घर में है वो कार, तो मीन्स पोजेशन मेरे दोस्त के पास है, मेरे फ्रेंड के पास है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है, ओनरशिप और पोजेशन में फ़र्क है। अगर मेरी कार मेरे घर में है तो पोजेशन भी मेरे पास है और ओनरशिप भी मेरे पास है। ओके, तो यहाँ पे हम पोजेशन की बात कर रहे हैं। तो बेलमेंट में पोजेशन ट्रांसफ़र होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नेसेसरली इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स बाय द बेलर टू द बेली। हम अपने गुड्स का पोजेशन देते हैं बेली को, ठीक है। जैसे एक गर्ल जो है वो कपड़ा स्टिच कराने गई, तो वो कपड़ा देती है, वो कपड़ों का पोजेशन देती है बेली को ताकि वो उसे सिल सके। इफ़ देर इज़ नो सच ट्रांसफ़र देर इज़ नो बेलमेंट। अगर आप कपड़ा दोगे ही नहीं टेलर को तो वो कैसे सिलेगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है पोजेशन का। सच डिलीवरी कैन बी एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और टोकन। जो डिलीवरी है वो एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, टोकन भी हो सकती है। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि ये तीनों डिलीवरीज क्या होती हैं। नेक्स्ट इज द ट्रांसफ़र अंडर बेलमेंट इज टेम्परेरी। जो आप ट्रांसफ़र करते हो वो टेम्परेरी होता है, ठीक है। वो काम पूरा होने के बाद वो पर्सन आपको वापस कर देता है, बेली। द ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स टू गुड्स अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट मस्ट बी फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए होता है और फॉर टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, ठीक है। जैसे अगर आपने टीवी रिपेयर करने के लिए दिया तो जो पर्सन टीवी रिपेयर कर रहा है वो रिपेयर करके आपको वापस दे देगा, तो टेम्परेरी पीरियड के लिए दिया आपने, हमेशा के लिए टीवी नहीं दे दिया उसको, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मस्ट नॉट बी परमानेंट। तो यहाँ पे परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम परमानेंट ट्रांसफ़र कब करते हैं, जब हम सेल करते हैं। तो अगर परमानेंट ट्रांसफ़र हो गया तो वो बेलमेंट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो सेल ऑफ गुड्स हो जाएगा, क्योंकि आपने गुड्स फिर सेल ही कर दिए हैं। Next is the goods must be delivered to other person. In the contract of bailment, it is important that goods are delivered to the bailey. ये बहुत ज़रूरी है कि जो goods हैं वो दूसरे को deliver हुए होने चाहिए, ठीक है, तभी आप कह सकते हो contract of bailment है। ये केस है बहुत, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। केस ऑफ इंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इन दिस केस पर्सन प्लेस्ड हिज बैगेज ऑन द रूफ ऑफ बस। इसमें क्या हुआ, एक पर्सन ने अपना जो बैग है वो बस की छत पे रख दिया, रूफ पे। एंड द बैगेज वॉज लॉस्ट। हो सकता है बस से चलते वलते कहीं पे बैगेज जो है वो गिर गया और बैगेज जो है वो गुम गया। द कोर्ट हेल्ड दैट इट वॉज नॉट द केस ऑफ बेलमेंट। उस पर्सन ने कहा कि भाई ये इसमें इसके लिए बस जिम्मेदार है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये बेलमेंट का केस नहीं है। सिंस द बैगेज वॉज नॉट डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर। तो क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बैगेज कभी डिलीवर ही नहीं किया था, उसने खुद ही उसे छत पे रखा था, उसने कभी भी उस बस के कंडक्टर या किसी को नहीं दिया था इस बैगेज को संभालने के लिए, उसने खुद ही रूफ पे रखा था। तो यहाँ पे तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं, क्योंकि गुड्स तो कभी डिलीवर हुए ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज द बेलर हैज़ ए राइट टू रिटर्न द गुड्स टू द रिटर्न ऑफ गुड्स। बेलर के पास ये हक है कि जैसे ही मकसद पूरा हो जाए, जिस पर्पस के लिए उसने गुड्स दिए हैं, उसके बाद वो अपने गुड्स बेली से वापस ले ले। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट स्टिपुलेट्स दैट द गुड्स विल बी रिटर्न टू द बेलर आफ्टर द अकम्पलिशमेंट ऑफ द पर्पस। जैसे ही पर्पस पूरा हो वो अपने गुड्स वापस ले ले। इफ द गुड्स आर नॉट रिटर्न टू द बेलर देन इट इज़ नॉट अ बेलमेंट। अगर गुड्स उसे वापस नहीं मिलते हैं तो वो बेलमेंट ही नहीं होता है, क्योंकि फिर तो वो परमानेंट ट्रांसफ़र हो गया, और परमानेंट ट्रांसफ़र क्या होता है हमारा, वो सेल होती है। ओके, तो अब आ जाओ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जो बेलमेंट है हमारा, कितने टाइप्स का होता है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हमारे दो पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस करना है। फ्रॉम द रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो दो तरह का होता है, दैट इज़ नॉन ग्रेच्युटस बेलमेंट और ग्रेच्युटस बेलमेंट। फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमारा काफ़ी टाइप का बेलमेंट होता है, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाओ बेलमेंट फ्रॉम द रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड और नॉन ग्रेच्युटस बेलमेंट भी हम बोलते हैं। नॉन ग्रेच्युटस का मतलब होता है जो चीज़ फ्री में नहीं होती है, ठीक है, जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है, उसे हम नॉन ग्रेच्युटस बोलते हैं। व्हेन सम चार्ज इज स्पेसिफाइड फॉर ए बेलमेंट और ए कंसिडरेशन पासिस बिटवीन बेलर एंड द बेली, दिस इट इज टर्म्ड एज बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। जब कोई चार्ज क्रिएट करते हो आप बेलमेंट के लिए या फिर कंसीडरेशन मूव होती है। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन, कुछ देने के बदले में कुछ लेना। जब एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और कुछ चार्ज क्रिएट किया जाता है तो उसे हम बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड कहते हैं, नॉन ग्रेच्युटस बेलमेंट कहते हैं। चार्ज फॉर हायरिंग अ लॉकर इन अ बैंक, जैसे अगर आप बैंक में लॉकर लेते हो तो आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं बैंक को उस लॉकर को लेने के, ठीक है, बैंक आपको फ्री में लॉकर नहीं देता है। चार्ज फॉर रिपेयरिंग सम गैजेट्स, ठीक है, अगर एक पर्सन को आप मोबाइल रिपेयर करने के लिए दे रहे हो तो आप जब वो रिपेयर करके आपको वापस देगा तो आप उसे पैसे दोगे रिपेयर करने के, ठीक है। तो मतलब फ्री में नहीं है ये चीज़ें, ठीक है, आपको उसके बदले में कुछ देना है, वो आपको रिपेयर करके देगा और आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। तो ये है एग्जाम्पल्स वेयर देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर द बेली फॉर कीपिंग और डूइंग समथिंग फॉर द बेलर। जब बेली को रिवॉर्ड मिलता है कुछ करने के लिए, किसके लिए? बेलर के लिए। तो ये होती है हमारी नॉन ग्रेच्युटस बेलमेंट। नेक्स्ट इज ग्रेच्युटस बेलमेंट। ग्रेच्युटस का मतलब होता है फ्री में कोई चीज़ अगर आप किसी के लिए करते हो जिसमें कंसिडरेशन नहीं होती है। इन ग्रेच्युटस बेलमेंट नो कंसिडरेशन पासिस बिटवीन द बेलर एंड द बेली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे A lends his bicycle to his friend B. He doesn't expect to be paid for it and it will be a case of gratuitous bailment. अगर A जो है वो अपने दोस्त को अपनी साइकिल उधार देता है, जैसे सपोज कई बार एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि मुझे अपनी बाइक दे दे एक दिन के लिए, तो दूसरा दोस्त कहता है हाँ ले जा ले, कल मुझे वापस दे देना। तो जो पर्सन बाइक दे रहा है वो दूसरे पर्सन से, अपने दोस्त से ये नहीं कहेगा कि तू इसके बदले में मुझे पैसे दे, ठीक है। तो ये भी एक बेलमेंट है क्योंकि गुड्स तो पोजेशन में जा ही रहे हैं, ट्रांसफर तो हो ही रहे हैं, ठीक है, और वो मकसद पूरा होने के बाद आपको वापस भी कर देगा, लेकिन ये ग्रेच्युटस बेलमेंट है, इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज बेलमेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इज बेलमेंट फॉर यूज। When the owner of an item of his free will gives the item to another for his use, the contract is one of the bailment for use. जब एक person अपनी item को या अपनी चीज़ को, अपनी किसी चीज़ को, अपने goods को दूसरे person को use के लिए देता है तो उसे हम bailment for use कहते हैं। जैसे कि A lends his camera for a month for the use of B who is going on a holiday. A ने अपना कैमरा B को किराए पे दे दिया जो कि हॉलीडे में जा रहा है, तो ये बेलमेंट फॉर यूज़ हो गया। मीन्स आप मेरा कैमरा यूज़ कर सकते हो लेकिन इसका मैं इतना चार्ज लूँगा आपसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेलमेंट फॉर यूज़। नेक्स्ट इज बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। व्हेन द बेलर हैंड्स ओवर एन आइटम टू द बेली फॉर सेफ कीपिंग इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। जब बेलर अपने गुड्स को बेली को देता है सेफ्टी के लिए कि आप इसको अच्छे से संभाल के रख दो, तो वो बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी होता है। जैसे कि इफ़ राम कीप्स हिज वैल्यूएबल विद मोहन फॉर सेफ्टी, अगर राम अपने जैसे ज्वेलरी सपोज मोहन के पास रखवाता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ये मेरे गुड्स अपने पास रख लो, मैं वापस आके ले लूँगा, तो सेफ्टी के लिए रखवा रहा है, तो ये हो गया हमारा बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। बेलमेंट फॉर कैरेज। When the transport company is given charge for goods, charge of goods for transportation from one place to another, it is known as bailment for carriage. जब आप goods transport company को देते हो कि ये जो goods है दूसरी जगह पे पहुंचा दो, तो वो भी बेलमेंट होता है, उसे बेलमेंट ऑफ कैरेज बोलते हैं। जैसे कि गिविंग कस्टडी ऑफ गुड्स टू रेलवेज, आप अपने गुड्स की कस्टडी रेलवेज को या फिर ट्रांसपोर्ट कंपनीज को या शिपिंग कंपनीज को देते हो ताकि आप दूसरी जगह पे इन गुड्स को पहुंचा दो, तो वो हो गया हमारा बेलमेंट फॉर कैरेज। नेक्स्ट इज बेलमेंट फॉर ऑल्ट्रेशन इन शेप। व्हेन वन पर्सन, ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज करना। When one person hands over an item to the other with the object of getting the shape of item altered, it is a contract of bailment for alteration in shape. जब आप अपने गुड्स किसी दूसरे पर्सन को देते हो ताकि इसकी जो शेप है इसको ऑल्टर कर दिया जाए, इसको चेंज करके मुझे दिया जाए, तो वो हो गया हमारा बेलमेंट फॉर ऑल्ट्रेशन इन शेप। जैसे आप एक कपड़ा देके आते हो टेलर को और टेलर उसको स्टिच करके आपको सूट की फॉर्म में वापस करता है, तो वो ऑल्टर करके देता है उसको, ठीक है, तो वो हो गया हमारा बेलमेंट फॉर ऑल्ट्रेशन इन शेप। नेक्स्ट इज बेलमेंट फॉर रिपेयर। जब आप किसी गुड्स को रिपेयर के लिए देते हो, इफ एन आइटम इज हैंडेड ओवर टू पर्सन फॉर रिपेयर, टीवी खराब हो गया है, आपने रिपेयर के लिए दिया है, तो वो रिपेयर करने के बाद बेली आपको वापस कर देगा, वो हो गया हमारा बेलमेंट फॉर रिपेयर। जैसे कि गिविंग अ पीस ऑफ फर्नीचर टू द कारपेंटर फॉर रिपेयर। अगर आपका फर्नीचर कुछ टूट गया है, आप कारपेंटर के पास गए और उसको बोला कि आप इसको ठीक कर दो, और वो ठीक करने के बाद आपको वापस कर देगा, तो वो हो गया हमारा बेलमेंट फॉर रिपेयर। नेक्स्ट इज बेलमेंट फॉर पॉन और प्लेज। पॉन और प्लेज का मतलब होता है गिरवी करना, गिरवी रखना। व्हेन अ डेटर हैंड्स ओवर अ वैल्यूएबल टू द क्रेडिटर एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन, इट इज कॉल्ड अ बेलमेंट फॉर पॉन और प्लेज। जब आप लोन के बदले में किसी पर्सन को सिक्योरिटी देते हो, जैसे अगर आपने अपना घर गिरवी रखा, या फिर आपने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, सपोज आपने अपनी ज्वेलरी गिरवी रख के किसी से लोन ले लिया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बेलमेंट फॉर पॉन और प्लेज। एग्जाम्पल, इफ ए हैंड्स ओवर हिज गोल्ड वॉच टू बी, ए ने अपनी सोने की घड़ी बी को सिक्योरिटी के फॉर्म में दे दी और उससे बदले में 50,000 का लोन ले लिया, तो ये हमारा हो गया बेलमेंट फॉर पॉन और प्लेज। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिलीवरी। अब डिलीवरी कितने टाइप्स की होती है? मैंने पीछे बताया था कि डिलीवरी हमारी एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकती है, टोकन डिलीवरी भी हो सकती है। अब एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है? When the goods are actually delivered in physical terms, जब गुड्स को हम एक्चुअली फिजिकली ट्रांसफर करते हैं दूसरे पर्सन को, तो उसे हम एक्चुअल डिलीवरी कहते हैं। जैसे कि अगर हम टेलर के पास कपड़ा लेके गए और हमने कपड़ा टेलर को दे दिया, तो वो हो गई हमारी एक्चुअल डिलीवरी। ये विजिबल होती है, विजिबल मतलब इस डिलीवरी को हम देख सकते हैं, और ये फिजिकल डिलीवरी होती है, हम फिजिकली गुड्स जो है दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है? सच डिलीवरी मे बी मेड बाय डूइंग समथिंग which has an effect of putting the goods in possession of the intended bailee or any person authorized to hold them on his behalf. ठीक है, मीन्स ये इस तरीके की डिलीवरी होती है जिससे आपने ऐसा कुछ काम करा जिसकी वजह से वो गुड्स ऑटोमेटिकली उसके पोजेशन में आ गए। जैसे कि एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको, इफ विपिन बाइज अ रेडियो, अगर विपिन ने एक रेडियो खरीदा रेडियो कंपनी से, एंड लीव्स इट विद द सेलर, और जिससे उसने खरीदा उसने उसी के पास छोड़ दिया, मतलब उसने लिया नहीं, बस पैसे दिए उस रेडियो के और उसी के पास ही रेडियो छोड़ दिया और बोल दिया कि इसके लिए तुम कैबिनेट बना दो, कि मतलब ऐसे जिसमें रखूं उसके लिए कैबिनेट भी अरेंज कर दो। इट विल बी ए कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, क्योंकि उसने अभी रेडियो लिया नहीं है, बस पेमेंट करी और उसी के पास छोड़ दिया, तो फिर भी अब उसने डिलीवरी कर दी है, ठीक है, क्योंकि अब जो है वो विपिन है उसका ओनर। विपिन हैज नॉट फिजिकली बीन डिलीवर्ड द रेडियो बाय द सेलर, क्योंकि सेलर ने अभी विपिन को दिया ही नहीं है रेडियो, बस उसने कहा कि आप अपने पास रखो और इसका कैबिनेट बना के जब बन जाएगा तब मैं रेडियो भी ले जाऊंगा और कैबिनेट भी ले जाऊंगा। तो यहाँ पे जो सेलर है वो बेली है, ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वो सेलर नहीं रहा, वो ऑटोमेटिकली उसने बेच चुका है वो अपने गुड्स विपिन को, विपिन ओनर बन चुका है, तो अब जो सेलर है वो बेली बन जाएगा। नेक्स्ट इज टोकन डिलीवरी। इन टोकन और सिंबॉलिक डिलीवरी, इसको सिंबॉलिक डिलीवरी भी बोलते हैं, द गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड टू द बेली, इसमें गुड्स एक्चुअली डिलीवर नहीं होते हैं। ओनली एन एक्ट इज परफॉर्म्ड, एक एक्ट, एक काम किया जाता है जिससे पता चलता है दैट ट्रांसफर द गुड्स टू द बेली, जो शो करता है कि गुड्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गए हैं बेली को या फिर उसके एजेंट को। दैट इज द पोजेशन ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बेली। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हैंडिंग ओवर द की टू द गोडाउन टू लोड द गुड्स इन अ ट्रक। ट्रक में गुड्स लोड करने थे, तो आपने क्या करा, गुड्स गोडाउन की जो है वो दूसरे पर्सन को होल्ड कर दी कि लो इससे गुड्स निकलवाओ और ट्रक में लोड करवा दो, ठीक है, तो आप पूरा गोडाउन उठा के नहीं दे सकते हो, आपने गोडाउन की दे दी, तो मतलब ये भी एक डिलीवरी हो गई कि ठीक है आपने गुड्स का पोजेशन दे दिया, तो ये हो गई हमारी टोकन और सिम्बॉलिक डिलीवरी। ओके, अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 5 मार्क्स में ही आ जाता है छोटा सा, इस डिपॉजिट इन बैंक अ बेलमेंट। क्या हम जो पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं क्या वो भी बेलमेंट है? क्योंकि हम भी तो पैसे देते हैं और बैंक हमें वापस दे देता है कुछ टाइम के बाद। तो इसका आंसर है नहीं, नो, बिकॉज द बैंक डज नॉट गारंटी टू रिटर्न द मनी इन द फॉर्म इट वॉज डिपॉजिटेड, इट गारंटीज टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ मनी दैट इट वॉज डिपॉजिटेड। क्योंकि बैंक हमें उसी फॉर्म में पैसे वापस नहीं करता जिस फॉर्म में हमने उनको दिए। जैसे सपोज अगर हमने बैंक में डिपॉजिट किए पैसे, 500 के 10 नोट डिपॉजिट करे, तो जब हम ATM से निकालेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि 500 के ही 10 नोट हमें वो बैंक वापस करेगा, वो हमें 2000 के भी नोट दे सकता है या फिर 100 के नोट में भी दे सकता है। तो बैंक हमें गारंटी देता है वैल्यू को रिटर्न करने की, कि जितने के आपने पैसे दिए हैं उतने ही पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन उसी फॉर्म में मिलेंगे इस चीज़ की गारंटी नहीं देता। और एक चीज़ और है, बैंक और क्लाइंट के बीच में जो रिश्ता होता है वो क्रेडिटर और डेटर का होता है, बेलर और बेली का नहीं होता है। ठीक है, सो इसमें एक केस है, केस ऑफ शंकर लाल वर्सेज भूरालाल का। इट वॉज हेल्ड दैट इन दिस केस दैट द मनी डिपॉजिटेड इन करंट सेविंग एंड अदर अकाउंट इन द बैंक इज नॉट बेलमेंट, कि जो भी पैसे हम करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट या फिर अदर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं वो बेलमेंट नहीं है, क्योंकि बैंक और डिपॉजिटर का रिश्ता डेटर और क्रेडिटर का है, बेलर और बेली का नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ द पर्सन कीप सम वैल्यूएबल, लेकिन अगर हम बैंक से लॉकर लेते हैं अपनी ज्वेलरी रखने के लिए, ठीक है, फॉर सेफ कस्टडी, तो वो फिर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो डेटर और क्रेडिटर नहीं है, वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्योंकि कुछ समय बाद जब हम अपनी ज्वेलरी निकालते हैं तो हमें ज्वेलरी में चेंजेस नहीं मिलते हैं, वही जो ज्वेलरी हमें मिलती है। ठीक है, तो वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, लेकिन जब हम पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो वो बेलमेंट नहीं है। ओके, आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।